महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में होता है संपन्न। बोलेगा मानव शरीर में सबसे छोटी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में जो है संपन्न होता है, यानी इससे होता है रहता है, छोटी आंत में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन कहेगा, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं जीवा के किस भाग में होती है? देखिए खट्टे स्वाद के लिए कहेगा पार्श्व भाग में होता है। लार निम्न से किस में पाचन में सहयोग करती है? लार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार जो है स्टार्च में जो है पाचन का जो है काम करती है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? डायलिसिस कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है? ये लार ग्रंथि में होता है। डाइस्टेज एंजाइम का बोलेगा स्रोत होता है तो लार ग्रंथि में। पित्त का स्रोत क्या होता है? तो यकृत में होता है। बोलेगा यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यूरिया बताएगा था यकृत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश होता है? ये अम्ली होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा है, कौन सा सही है? देखिए इसमें यही सही होगा, सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 cc होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।